वायरस एक बार फिर बढ़ गया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 32 अमवात, जहां बाक अफराद की तादाद 22,971 हो गई। 37,636 कोरोना टेस्ट किए गए, मजीद 1,841 केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 4.89% रिकॉर्ड। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी महफूज बनाएं, एनसीओसी की अपील। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत एक्टिव फीस से तालीमी इदारे बस इम्तहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और दीगर कारोबार शाम 6 बजे तक बंद। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर पाबंदी। रेस्टोरेंट्स पर इंडोर आउटडोर डाइनिंग भी बंद। दरगाहें भी बंद करने का फैसला। जुम्मा इतवार महफूज दिनों में शुमार। सरकारी निजी सेक्टर में 50% अमले को काम की इजाजत। कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वालों के गिर घेरा मजीद तंग। वैक्सीन न लगवाने पर मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक किए जाएं। सिंध हुकूमत का एनसीओसी और पीटीओ को खत लिखने का फैसला। मुर्तजा वहाब का ट्वीट। कोरोना की चौथी लहर के बाद केसेस में इजाफा हो रहा है। शहरी एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आवाम से अपील। कहते हैं कोरोना सफीस पर अमल करने से शहरी मर्ज से महफूज रहेंगे। शहरी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। हुकूमती गाइडलाइंस पर भी अमल करना शहरियों के मफाद में है। मास्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और वैक्सीन लगवाएं। शहबाज दिलकर नवाज शरीफ की अफगान नेशनल सिक्योरिटी चीफ से मुलाकात पर रद्दअमल। कहते हैं कि पाकिस्तान को गंदी गाली देने वाले शख्स से नवाज शरीफ की मुलाकात ताजा डेवलपमेंट है। क्या इससे वाजे नहीं हो जाता कि नवाज शरीफ का एजेंडा क्या है? मालूम हुआ कि अफगान वजीर नवाज शरीफ के लिए मोदी का खास पैगाम लाए। पाक फौज के खिलाफ जहर उगलने वालों को कश्मीरियों के जज्बात से नहीं खेलने देंगे। आजाद कश्मीर के इंतखाबात को मुतनाजिया बनाया जाएगा। मुलाकात इसी मुनाफिकाना एजेंडा पर हुई। ये कहा जा रहा है कि आजाद कश्मीर को मैं सूबा बनाना चाहता हूं। ये किधर से बात आई अभी तक मुझे नहीं इसका इल्म। वो अभी से शुरू हो गए हैं कि जी धांधली होगी। गवर्नमेंट आपकी, नून लीग की हुकूमत, अमला आपका, इलेक्शन कमीशन आपकी, तो धांधली हम करेंगे? और उधर तो पूछे ही नाना वो जरदारी का। जरदारी को पैसे गिनने में वक्त मिलता तो वो कश्मीर की बात करता। मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी। कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। नहीं जानता आजाद कश्मीर को सूबा बनाने वाली बात कहां से आई। आजाद कश्मीर में जिनकी हुकूमत है वही धांधली का शोर मचा रहे हैं। नून लीग को अपने एम्पायर्स के साथ खेलने की आदत है। उन्होंने आज तक कुछ ईमानदारी से नहीं किया। जरदारी को भी पैसे गिनने से फुर्सत मिलती तो कश्मीर की बात करते। रेफरेंडम होगा, कश्मीरियों को उनका हक जरूर मिलेगा। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने बाहर के हुक्म पर इलेक्शन लड़ा। मोदी हर जगह पाकिस्तान को बुरा भला कहता था। नवाज शरीफ ने मिनते करके उस सही शादी पर बुला लिया। वजीर आजम का तराड़खल और कोटी में जुलसों से खिताब। नवाज शरीफ ने भी इलेक्शन लड़ा बाहर के हुक्म पे, इधर भी पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा, क्योंकि उनको पता था इनकी जायदाद किधर है। नरेंद्र मोदी मुल्क को बुरा भला कहता था, उसकी मिन्नतें करके नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया गया आपने। हमारा रिश्ता सिर्फ सियासी रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता सिर्फ वोट के और इख्तदार का रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता कुर्बानियों का रिश्ता है। आपने आज साबित कर दिया है कि इलेक्शन साफ शफाफ हो तो यहाँ के तीनों के तीन सीट जो है
वो तीर के होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे। ये मुंतखब हो, हम किसी कठपुतली को इजाजत नहीं देंगे कि वो मकबूजा कश्मीर पे सौदा करे। बाहर की नहीं, आवाम की डिक्टेशन मानते हैं। पीपल्स पार्टी का कश्मीरियों से कुर्बानी का रिश्ता है। कामयाब जलसों से साबित हो गया कि 25 जुलाई को जियाले ही जीतेंगे, किसी कठपुतली को सौदेबाजी नहीं करने देंगे। इक्तदार में आकर आवाम की किस्मत बदल देंगे, बिलावल भुट्टो का बाग और मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसों से खिताब। इमरान खान से कहा, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 25 जुलाई को आजाद कश्मीर में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। मरियम नवाज की कश्मीर में जुबान खैर से मदाराना है। दासर बादशाह डैम्स पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। गरीब को रोजगार देना मिशन है। शेख रशीद का रावलपिंडी में खिताब। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 41,59,546 हो गई। 19,40,11,946 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। 17,61,18,311 मरीज सेहतयाब हो गए। तूफानी बारिशों और सैलाब, भारत में दो रोज के दौरान 130 अफराद हलाक, 32 कर्ज लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। लैंडस्लाइडिंग के बाद 37 अफराद हलाक और 52 लापता हुए। शाहीनों के वेस्ट इंडीज में डेरे, कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग और फिजिकल फिटनेस पर खसूसी तवज्जो। पाक वेस्ट इंडीज पहला टी20 27 जुलाई को शेड्यूल। और खेलों के सुपर मेगा इवेंट का रंगारंग आगाज, जापान में टोक्यो ओलंपिक्स का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में शानदार परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से एथलीट इवेंट में शरीक। अस्सलाम वालेकुम, रोज न्यूज के साथ मैं हूं कायनात काजमी और मैं हूं जिया आफताब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।